आज हमने करना है चैप्टर हाइड्रोजन प्लस वन केमिस्ट्री का। हाइड्रोजन चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एक तो हमने देखनी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है पीरियोडिक टेबल में, दूसरा हाइड्रोजन के यूजेस और कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दस सी इंट्रोडक्शन, कि हाइड्रोजन जो है इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी लवॉइजर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी जो फ्रेंच केमिस्ट था। तो उसने ग्रीक वर्ड में इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है, वाटर फॉर्मर, हाइड्रोजन गैस को उसने क्या कहा था कि वाटर फॉर्मर है। तो ये स्मॉल एटम है जो प्रोटॉन है, इसमें एक क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो देखो इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है और कोई भी न्यूट्रल नहीं है इसमें। सो पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी पोजीशन को क्या दिया गया है, फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इसका एटॉमिक नंबर जो वन है और मास भी इसका वन है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की देख ले तो हमारे पास पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, यू कैन सी द पोजीशन। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज गैस। सो दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख सकते हो कि इसकी अक्रेंस क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे अगर इसके बात की जाए तो 1% ऑफ अर्थ टोटल मास, अर्थ का जितना मास है उसका 1% प्रेजेंट है नेचुरली। तो वल्केनो के वल्केनिक इरप्शंस पे भी निकलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है, कैरेटीन में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन में प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आवर फूड, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनमें भी ये प्रेजेंट है। सो यू कैन चेक, दीज आर फूड प्रोडक्ट्स, दीज आर फूड प्रोडक्ट्स एंड दीज आर वोल्केनिक इरप्शंस, और इनमें भी हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो हमारा कितना परसेंट है इसमें, यू कैन सी 73% ऑफ ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कितना है ऑब्जर्व्ड मास, 73 है इसका। तो अबाउट 90% ऑफ एटम इन द यूनिवर्स, 90% है। तो 9% जो हीलियम है और बाकी जो है ऑल अदर एलिमेंट्स जो कि वो 1% से कम है, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स इसके कौन कौन से हैं, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। सो मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर, मास डिफरेंट हो एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे आइसोटॉप हम बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉप कौन कौन से, हाइड्रोजन के प्रोटियम, जिसमें एक जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है और उसका मास भी एक ही है, ड्यूटेरियम मतलब के एटॉमिक नंबर वन और मास नंबर टू, ट्रिटियम मास इसमें 3 होता है। तो हाइड्रोजन में हमेशा ही एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो हम कैसे बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवा दें, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास H2 गैस प्रिपेयर हो सकती है। और दूसरा जो पोर्शन है कि हम अगर जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। सो नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2, हमारे पास कौन कौन सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये हाइड्रोजन कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस मतलब कि स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस टेस्ट कुछ नहीं होता, और कंबस्टिबल गैस है, इसे अगर आग लगाएं तो इसे आग लग जाएगी, और हवा से ये लाइटर होता है, वाटर में ये घुलते नहीं है, ये डज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 18.73 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 23.67 केल्विन।
ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, कहाँ कहाँ यूजेस है इसके। सबसे पहले देखो अमोनिया बनाने में यूज़ होता है, न्यूट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, वनस्पति फैट, वनस्पति घी बनाने में यूज़ होता है, और इथेनॉल वगैरह भी बनाने में यूज़ होता है। सो इथेनॉल इज़ व्हाट इज़ इथेनॉल और मिथेनॉल, ये मिथेनॉल बनाने में भी यूज़ हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो मेटल हाइड्राइड को बनाने में भी ये यूज़ होता है। सो प्रेपरेशन ऑफ किनके हाइड्रोजन क्लोराइड यूजफुल केमिकल है, उसको बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। सो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखो, और भी यूजेज हैं इसके। मेटलर्जी में, मेटलर्जी मतलब के मेटल को निकालने की, मेटल को प्योर करने की प्रोसेस है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बनाने में, रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, फ्यूल सेल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, जहाँ बिजली बनती है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वहाँ यूज़ होता है हमारे पास। ये देखो वनस्पति बनाने में यूज़ हो रहा है, और लैब लेबोरेटरी में भी यूज़ हो रहा है, बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है हमारे पास। सो यू कैन चेक रॉकेट, रॉकेट फ्यूल और बैटरीज, बैटरीज में भी ये यूज़ होता है। अगर इनके हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड क्या होते हैं, जो कि हाइड्रोजन अगर एटम के साथ किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड बनाने में ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में सभी के सभी एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, और उनकी अलग अलग कैटेगरी लिखी हुई है। तो देखो जो कोवलेंट हाइड्राइड भी बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। और मेटैलिक हाइड्राइड, ये वाले एलिमेंट जो है वो मेटैलिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें इंटरमीडिएट हाइड्राइड जो है वो ये वाले एलिमेंट जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसमें और कौन कौन से हाइड्राइड बनाए जाते हैं। आयनिक हाइड्राइड देखो सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था इनके हाइड्राइड किन किन के साथ बनाते हैं। सो आयनिक हाइड्राइड जो सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं उन्हें, इसका मतलब है कि कोई भी मेटल है, मेटल के साथ एच लग गया, जैसे लिथियम है लिथियम के साथ एच लग गया, ब्रीलियम है ब्रीलियम के साथ एच टू लग गया, मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम के साथ एच टू लग गया। दीज आर ऑल हाइड्राइड, दीज आर कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन जो अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, इससे ये कंडक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हाइड्राइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एच टू ही गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर और बात करें हमारे पास और कौन से हाइड्राइड हैं, कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड कौन कौन से हैं, CH4, NH3, वाटर हो गया, HF, दीज आर ऑल कोवलेंट इन नेचर। सो हाइड्राइड कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल, तो वो भी हाइड्राइड हमारे पास हो सकते हैं। दे आर आल्सो वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल मतलब कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोलिकुलर हाइड्राइड आगे भी उनको कैटेगराइज किया गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। इनको हमने एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, जस्ट हमें क्या जानना था कोवलेंट हाइड्राइड को कौन कौन से है, उनकी एग्जाम्पल कौन सी है। सो नेक्स्ट देखो मेटेलिक हाइड्राइड की एग्जाम्पल हमने देखनी है, मेटेलिक हाइड्राइड कौन कौन से बनाएंगे। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो दीज हाइड्रोजन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। ये तो सलाइन हाइड्राइड की तरह नहीं है, दे ऑलमोस्ट स्टाइकोमेट्री इनकी जो है मतलब बैलेंस कंडीशन इनकी नहीं होती, तो इस तरीके से La(H)2.87, YbH(2.55) इस तरीके के नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, मतलब के बैलेंस्ड नहीं होते। ऐसे वाले हाइड्राइड जो है मेटेलिक हाइड्राइड विद द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर के बारे में बात करने से पहले आपको बहुत बहुत कुछ वाटर के बारे में पता है कि हमारी बॉडी में 65% वाटर है, और प्लांट की बॉडी में 95% वाटर होता है। तो लिविंग के लिए, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये कंपाउंड, और ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ घुल जाती है, वाटर में नमक घोल लो, चीनी घोल लो, कुछ भी आप घोल सकते हो, तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगा, ठीक है। तो ये
वाटर के कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में क्या है कि इसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता, और इसको अगर कंडेंस कर दे लिक्विड में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे स्टीम को चेंज कर दे तो वाटर में चेंज हो जाएगी, वाटर को और ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम करें तो वो सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे करेक्टर हैं। इसका स्पेसिफिक हीट, हीट बहुत हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी हाई है, सरफेस टेंशन हाई है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है इसका एज कंपेयर टू द अदर लिक्विड्स। सो इट इज़ अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ये मैंने पहले ही बताया था, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। कि मान लो कि आयंस जो है ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस, तो ये अच्छा एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें एक आयंस जो है मूवमेंट करते हैं लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड मतलब वाटर में वो मूवमेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये हमारे पास वाटर है, जो वो पोलर मॉलिक्यूल है। डैट इज़ ए पोलर, पोलर मतलब कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो सेपरेटेड हैं। ठीक है, अल्कोहल की तरह। ठीक है, इसीलिए ये पोलर कंपाउंड में कोई भी इसमें पोलर कंपाउंड डालेंगे तो वो घुल जाएगा इसमें। तो वाटर स्ट्रक्चर की, वाटर की स्ट्रक्चर बात करें तो बेंट मॉलिक्यूल होता है, जिसमें OH बॉन्ड 95.7 पिकोमीटर PM होता है, और ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, तो इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आइस से ज़्यादा होती है। जितनी आइस में डेंसिटी है उससे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स इन वाटर एज कम्पेयर टू द आइस। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वो अपने जो शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ही अपनी जो लिक्विड स्टेट ये शो करता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना लेती है। तो वीक बॉन्ड होने के कारण ये मॉलिक्यूल जो आपस में क्लोजनेस होती है, तो इसको वाटर में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा वो पास पास जो मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है एट द रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस लिक्विड स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हम कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये देखो, अगर तो NH3 के साथ ये रिएक्ट करे, इसका मतलब है ये एसिड की तरह रिएक्ट भी करता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है ये एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है, तो बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। तो अगर ये किसी एसिड के साथ ये रिएक्ट करे, ठीक है, अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको प्रोटॉन दे देगा। ठीक है, अगर एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो प्रोटॉन दे देगा, अगर बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ अमोनिया के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन की है। यहाँ इसने NH4 जो है अपने हाइड्रोजन जो है वो किसको दे दिया है? NH3 को, NH3 को अपना हाइड्रोजन दे दिया है। तो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो इलेक्ट्रॉन, ये दिस इज़ एक्टिंग हेयर एज एसिड, यहाँ ये H2O एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में देखो, इट इज़ रिसीविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, यहाँ से इसने एसिड H जो रिसीव किया है, सो इट इज़ एक्टिंग एज बेस। सो ये बेस भी एक्ट कर सकता है और एसिड भी एक्ट कर सकता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक इसकी नेचर है। अगर दोनों तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसे कहते हैं इसकी एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है, सो रिडॉक्स रिएक्शन हम पहले ही जानते हैं इसकी कौन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन इसमें से निकल गई है, सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है वाटर। तो वाटर अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास फिर O2 जो प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। तो देखो और क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स,
फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो उसे